घर नहीं बुलाओगे? जी आइए। अब वो मुझे जरा निकलना तो देर हो जाएगी, तुम इन्हें अंदर बिठाओ, मैं किसी के हाथ चाय का सामान भिजवाता। अल्लाह हाफिज। आए, अंदर आइए। अच्छा, तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे मांगू। उसकी जरूरत नहीं है, शर्मिंदा तो मैं हूं आपसे, आपके आत्मात को ठेस पहुंचाई मैंने। लेकिन इज्जत भी तो तुम्हें नहीं बचाई ना। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शो पे खड़े होकर तुम्हारे खिलाफ जहर ही उगलती। जब यही करना था, लेकिन फिर खुद से घिन आने लगी थी मुझे, जब अपने गुनाह दूसरों की गलतियों से बड़े हो ना। तो इंसान दूसरे पर थूक नहीं सकता, ये बात मुझे किसी ने नहीं बताई। मेरी अम्मी कहा करती थी कि ऐब जोई ना करो, दूसरों के ऐबों पे पर्दा डालो। मीडिया ने मुझे सिखाया कि इस बाजार में सब ले आओ, क्या बुराई ऐब गीबत सब बिकता है। और मैंने सब बेचना शुरू कर दिया। मुझे पता ही नहीं चला कि जो भी है जन्नत जी, आपका दिल अच्छा है। अच्छा होना कोई मायने नहीं रखता, तो बस अगर इंसान दिल को काबू में रख के दिमाग से अकल के फैसले ही ना कर सके, तुम मेरी जन्नत में रहने आई थी, मुझे तो तुम में जन्नत दिख रही थी। तुम सादा थी, मासूम थी, बेपरवाह थी, मेरे कपड़े मुझसे ज्यादा तुम पे अच्छे लगते थे। तुम्हारा चेहरा चमकता था, तुम्हारा एक मंगेतर था जो तुम्हारे पीछे पागल था।
ये जो जिंदगी तुम जी रही हो वो बहुत अच्छी जिंदगी है। मैं चाहूंगी तो ये जिंदगी नहीं जी सकती। तुम्हें खामखा मेरे जैसी जिंदगी जीना चाहिए। मेरी जिंदगी तो एक भूल भुलैया ही बन के रह गई थी, जिसमें एक बार दाखिल हो जाओ तो वापसी का रास्ता ही नजर नहीं आता। शायद मेरी और नुमान की तलाक हो जाए। मेरे पैसे और जेवर उसे ने चोरी किए थे। शायद चोरी करना भी मैंने उसे सिखाया। तुमने कहा था ना कि मैंने जरूरत से ज्यादा कमाना शुरू कर दिया और पैसे की कदर नहीं है। शो ऑफ करती थी मैं पैसा, दूसरों की तरह शायद मेरे शोहर को भी लगा कि मेरे पास जरूरत से ज्यादा है। मैंने हमारे खिलाफ केस वापस ले लिया। और तुम्हें उस हर चीज के लिए माफ कर दिया जो तुमने मेरी जन्नत से चोरी करने की कोशिश की। हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। चाय नहीं पियेंगे आप? बनाओगी? जी। तुमने अपनी बीवी की चीजें मुझे दे दी। मुझे तो लगता था तुम्हें मेरी जरूरत है। तुमसे शादी कर रही थी मैं। गलत फैसला था मेरा। एक औरत होते हुए दूसरी औरत के हक को अपना हक समझ रही थी। गलती थी मेरी।
बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया था कि जैसे कि वो मेरी बीवी नहीं बस एक कमोडिटी है। लाखों करोड़ों में कमा रही है तो उसको क्या फर्क पड़ेगा। मैंने कभी सोचा ही नहीं ये जो मैं सब कुछ कर रहा हूं मेरी जन्नत है। इसको खुदा के सामने हाजिर नाजिर जानकर अपनी जिंदगी का साथी बनाया था। सब उसको धोखा देते। ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं देना चाहिए तो सारा आई एम रियली सॉरी। प्लीज प्लीज बाबा करो। आज के बाद मैं और तुम दोबारा नहीं मिलेंगे। आज तक जो कुछ भी किया है ना तुमने, कोशिश करना कि उसका कफारा अदा कर सको। बाबा से बात हुई थी मेरी, वापस बुला रहे हैं। चंद दिनों में वापस मूव कर जाओगे। दुनिया को एक और नजर से देखना सिखा दिया।
नहीं थी रबा थी मजबूरी, हंस देने बुलिया मगर दिल मेरा रोंदा है। यार बथेरे मिल जांदे जन्नत कमाना औखे, अंदर कुछ ते बाहर कुछ दुनिया ते यारो तोखे। दर्द नू है बेदर्द ना समझे हर घड़ी ये सोखे, अंदर कुछ ते बाहर कुछ दुनिया दे यारों तो खइए। Wait him, please. क्या लेंगे आप? चाय कॉफी? कुछ नहीं। मुझे माफ करते हैं। किस बात के लिए? तुमने नुमान को मुझसे नहीं छीना, मेरी अपनी गलतियां थी जिनकी वजह से नुमान मुझसे दूर हुआ। मर्द बेवफाई करता है, शादी भी खत्म कर देता है, लेकिन जो कुछ नुमान ने किया ना, उसके बाद से मेरी नजरों से गिर गया है। दिल से उतर गया है वो मेरे। अमानत। मैंने हमेशा लोगों में बांटा है, बस लोग ही बदले में मुझे कुछ ना दे सके। इसे तुम रखो, उसने तोहफे में दिया था ना तुम्हें, रखो इसको। जब तुम्हारी शादी होगी तो पहनना इसे, समझना मेरी तरफ से तोहफा है, जन्नत की तरफ से। शादी नहीं कर रहे,
आपका आखिरी शो देखा था। आपने जिंदगी में काफी गलतियां की होंगी। But you had the courage to confess them. इस तरह पूरी दुनिया के सामने आके माफी मांगना आसान काम तो नहीं है। उसके बाद मुझे हौसला मिला कि चलो पूरी दुनिया के सामने ना सही लेकिन अपनी गलती की माफी आपसे अकेले में तो मांग ही सकती हूँ ना। माफ करते मैं एक होम रेकर नहीं बनना चाहती थी। लेकिन जानती हूं जो कुछ भी हुआ वो गलत है। मैं नहीं चाहती कि आपका घर टूटे। वो तो टूट गया। तुमसे बात करना चाहता हूं। यहां मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं इतने दिनों से तुम्हें कॉल कर रहा थी, तो मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही? बच्चों के स्कूल में मैंने कोई तमाशा खड़ा नहीं करना। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? माफ तो मैं कर चुकी हूँ। जिस लम्हे तुम्हें सीसीटीवी फुटेज में देखा मैंने उसे लम्हे ही माफ कर दिया। क्योंकि शायद जो तुमने मेरे साथ किया उससे कई ज्यादा जुल्म मैंने खुद के साथ किया। समझ नहीं आया तुम्हें कहां भटक गया। यही सवाल मैं अपने आप के साथ करती हूं लेकिन मुझे भी इसका जवाब नहीं मिलता। सब कुछ तो था हमारे पास, खुश थे, वो सारी आसाइशें थी जो एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली के पास होती।
लेकिन फिर वक्त गुजर गया और असहिशात बढ़ती गई तुम्हारी, और फिर बता रही इस तबाही का आगाज मैंने किया था। मेरी ख्वाहिशें तुमसे ज्यादा हो गई थी, हर चीज जल्दी चाहिए थी। शौहरत ने ये फरेब दिया कि हर चीज जल्दी हासिल करना ही असली कामयाबी। तुम्हें तो शौहरत ने खराब किया, मुझे किस चीज ने खराब किया? मुझे किस चीज ने ये हक दिया कि ये जब सब मैंने तुम्हारे साथ किया मैं वो कर सकता हूं? मैं सारा कुछ छोड़ दिया, कफारा अदा कर सकता हूं कम अज कम इतना तो कर। तुमने जारा को छोड़ दिया या उसने तुम्हें छोड़ दिया? ईमान, हमारे दरमियान अब इन बच्चों के अलावा और कोई रिश्ता नहीं हो सकता। अगर हम दोस्त बन जाएं तो शायद एक दूसरे से सच बोल सके। उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। इस तरह से नजरें ना चुरानी पड़े। सच बोलने की कोशिश कर लो, लेकिन झूठ बोलने की इतनी सालों पुरानी आदत जाते जाते ही चाहिए। तुम सही कह रही हो, अब हमें बच्चों के मां बाबा और दोस्त बन के सोचना होगा। फिर चाहे जो मर्जी हो, बच्चों के महान आखना चाहते थे। सोना सानू दिस जावे बल बल जा जदों साडे वल आ, और हमेशा देता सहुण तुपे बैके तैनू देती छावे कीती तेरे नाल असा दुनिया जानवे।
सालगिरह मुबारक फारूक। क्या मेरी साल आज 20 सितंबर है? मैं याद था। हाँ, सारी जिंदगी तुमने मेरी हर सालगिरह का दिन अपनी हैसियत से बढ़कर मनाया। मेरी खुशी के लिए तुमने सब कुछ किया। तुम्हारी बीवी का भी तो फर्ज बनता है ना कि तुम्हारी सालगिरह का दिन याद रखे। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है आत्मा की सूरत में। मैं तमाम उम्र भी चाहूंगा तो तुम्हारा कर्ज नहीं अदा कर सकता। तुम्हारा शुक्रिया फारूक, तुमने मुझे कम में भी खुश रहना सिखाया। और जब थोड़े में मैंने शुक्र किया तो अल्लाह ने मेरी जिंदगी बरकतों से भर दी। चलो कहीं बाहर जाके खाना खाते हैं और केक भी काटेंगे। कोई जरूरत नहीं है। क्यों? आज मैंने घर पर वो सारे खाने बनाए जो तुम्हें पसंद। वाकई? अच्छा, इसलिए तो मुझे कल से किचन में नहीं आने दे रही। और नहीं तो क्या? अब अगर तुम्हें पता लग जाता तो सारा सरप्राइज खराब हो जाता ना। सिर्फ खाला को पता है, अम्मी को भी पता है। अम्मी ने भी मुझसे छुपाया। पूछूंगा मैं उनसे। बड़ी तेज हो तुम तबस्सुम। अच्छा, एक और खास बात है। कितनी खास बातें? सुनो तो, आज मैंने जन्नत जी को इनवाइट किया। वो आयमा और अलियान के साथ आएंगी। इतना सब कुछ हो गया, मुझे बताया ही नहीं। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? हाँ। अच्छा चलो, अब किचन में आके मेरी मदद करो। मैं उसको सुला के आती हूँ। जाओ। ठीक है। रोल कैमरा, एक्शन। जन्नत अली खान, आपका प्रोग्राम देख कहती है। जन्नत, जहां में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। यार सोना सानू दिस जावे, बल बल जावा जदों साढ़े वल आवे। असा हुण तुप्पे बैके तैनू देती छावे, कीती तेरे नाल असा अपनी जानवे। दुनिया जमाने